स्वागत है आपका मेरे चैनल पे टेस्टी हेल्दी फूड बाय जोशी में। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरी खुद की बहुत फेवरेट है, तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नेम है बादाम मिल्क। जी, मार्केट स्टाइल का बादाम मिल्क आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही इजी और मार्केट से ज़्यादा टेस्टी आप घर पे बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी आपको नहीं चाहिए रहेगा, ओनली 4 इंग्रेडिएंट से ये आपका बनकर रेडी हो जाएगा झटपट से। तो इस बादाम मिल्क से मेरे बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे ब्रदर और मेरी बचपन में ये बहुत ही फेवरेट हुआ करती थी। हमारी मार्केट में एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी जहाँ पे था, तो वो आइसक्रीम पार्लर पर भैया वहाँ पे सेल करते थे बादाम मिल्क भी। तो गाइस, इतना यम्मी होता था, काफ़ी थिक वो शेक हुआ करता था, उसमें ऊपर से वो एक स्कूप आइसक्रीम का भी डाला करते थे और लॉट्स ऑफ टूटी फ्रूटी। तो हमारा वो काफ़ी फेवरेट हुआ करता था उस टाइम पे। तो जब तो हमारे ट्यूशन के रास्ते में ही वो मार्केट पड़ती थी, तो हम ज़िद किया करते थे पापा को कि पापा हमें वो बादाम मिल्क पीना है, इतना टेस्टी यम्मी होता था। तो जी गाइस, आज मैं वही रेसिपी सेम रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, बनाने से पहले आपको एक एक करके इंग्रेडिएंट मैं बता देती हूँ कि हमें बादाम मिल्क बनाने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा। मिल्क यहाँ मैंने लिया है, ये फुल फैट मिल्क है, ये मैंने 1 लीटर यहाँ लिया है। हमें आलमंड्स चाहिए, जो कि मैंने 40 to 50 grams यहाँ पे आलमंड्स लिए हैं। यहाँ पे हमें कस्टर्ड चाहिए, जो कि मैंने 1/4 cup ले लिया है कस्टर्ड। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर वाला लिया, आप कोई भी अपने मुताबिक फ्लेवर ले सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक फ्लेवर आपको पसंद है तो उस फ्लेवर का आप कस्टर्ड ले सकते हैं। यहाँ मैंने शुगर लिया है। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं अपना बादाम मिल्क। गाइस, सबसे पहले मैंने पैन रखा है गैस पे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम मिल्क डालेंगे अपना, जो हमने फुल फैट मिल्क लिया था। मिल्क को हमको अच्छे से बॉईल करना है। अब पहले एक पैकेट मैंने डाल लिया, मैं सेकंड पैकेट भी डाल लेती हूँ मिल्क का। तो गाइस, पहले एक इसको अच्छा सा एक उबाला देंगे, दूध को हम गर्म कर लेंगे। तो गाइस, जब तक हमारे मिल्क में उबाला आता है तब तक हम जो आलमंड्स है उनको ग्राइंडिंग मशीन में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मिल्क को हम रख देते हैं बॉईल होने के लिए स्लो गैस पे। गाइस, हमारे दूध में एक उबाला आ चुका है, बॉईल हो गया ये कम्प्लीटली। अब इसमें हम जो ग्राइंड किया था हमने अपने आलमंड्स, ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है, सर दरदरा रखना है। तो जब आप मिल्क शेक पियेंगे तो आपके ये जो चंक्स हैं वो मुंह में आएंगे और भी टेस्टी लगेंगे। तो हमने इतना ही ग्राइंड किया, देखिए मोटा मोटा ग्राइंड किया। अब इसको हम अपने बॉइलिंग मिल्क में डालने वाले हैं। इनफ रहेगा इतना। सो गाइस, आलमंड्स को हमको मिल्क में 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो जब तक हमारा दूध 2 से 3 मिनट और पकता है तब तक हम अपने जो कस्टर्ड है उसको घोल लेते हैं। सो गाइस, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे दूध को बॉईल होते हुए आलमंड के साथ। अब इसमें हम कस्टर्ड मिक्स करेंगे, जो कि मैंने वाटर में घोल लिया है, ये देखिए। इसको अच्छे से घोलने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब आपको जल्दी से कस्टर्ड को मिक्स करना है पूरे मिल्क में, क्योंकि जल्दी नीचे लग जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो आपको इसको जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि नीचे नहीं लगे। तो कस्टर्ड को हमने अच्छे से पूरे मिल्क में मिक्स कर लिया है। अब इसको स्लो गैस पे ही आपको पकाना है और मिल्क को ऐसे करछी से हिलाते रहना है ताकि कस्टर्ड हमारा जो है वो सरफेस पे ना लगे। तो बस हमको इतना पकाना है कि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए और हमारा जो कस्टर्ड है वो दूध में अच्छे से पक जाए। अब इसको हमको लगेंगे बनाने में 7 से 8 मिनट्स। तब तक इसको स्लो गैस पे ऐसे हिलाते रहिए कस्टर्ड नीचे ना लगे। सो गाइस, 5 से 6 मिनट हो गए हमको मिल्क को पकाते हुए। तो देखिए गाइस, कितना अच्छा येलो कलर आया हमारे मिल्क में।
जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हुआ है, ये देखिए। अब इस स्टेज पे अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं शुगर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। मैं कम ही शुगर यूज़ करती हूँ, आप एज पर योर टेस्ट कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें शुगर को ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, जब तक हमारी इसमें शुगर डिसॉल्व ना हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुका है, जितना हमें चाहिए, देखिए इतना ये थिक हो चुका है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं गाइस, हमारी जो शुगर है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें ग्रीन इलायची जो है हमारी है वो ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं थोड़ा फ्लेवर के लिए इसको डालती हूँ, तो अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है हमारे मिल्क में, एक तो इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है इलायची में, और टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी इसको कर सकते हैं। बस अब इसको 1 से 2 मिनट और हम रखेंगे गैस पे, उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद, फिर इसको रूम टेम्परेचर पे हम आने देंगे। तो देखिए गाइस, पैन से मैं आलमंड मिल्क अपना बाउल में शिफ्ट कर चुकी हूँ, और ये रूम टेम्परेचर भी हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हमको इसको फ्रीज में रखना है 1 से 2 आवर्स के लिए। तो जैसे ये ठंडा होता है तो उसके बाद ही हम इसकी सर्विंग करेंगे, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है, ये गर्म अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम पहले चिल करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में, उसके बाद मैं इसकी सर्विंग कर। मेरा बादाम मिल्क अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको मैंने 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए, तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं सर्व करूंगी ग्लासेस में, जैसे कि आप ग्लासेस देख रहे हैं मैंने यहाँ रेडी रखे हैं। अब आलमंड मिल्क को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, तो देखिए इतना थिक रखा है मैंने, ये देखिए थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं गाइस, मुझे तो इतनी ही थिकनेस पसंद है, देखिए। अगर आपको थिकनेस को कम रखनी है या ज़्यादा बढ़ानी है, ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको ये करना है कि आपको कस्टर्ड को थोड़ा सा और डालना है, मैंने 1/4 कप डाला था, आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि इसकी ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। मेरे लिए तो इतना ठीक है, अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं तो फिर वही सेम आप कस्टर्ड की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तो भी अच्छा, आपका आइसक्रीम जैसा भी ये बन जाएगा, तो आप इसको वैसा भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सर्व कर लूंगी ग्लासेस में, तो एक एक करके हम अपने ग्लासेस में इसको पॉर कर लेंगे। तो गाइस, एक ग्लास में मैंने इसको डाल लिया है, अब अपना जो सेकंड ग्लास है उसको भी फिल कर लेते हैं अपने बादाम मिल्क से। इसमें चाहे तो आप अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ आलमंड ही डाले हैं। आप चाहे तो इसमें रेजन्स डाल सकते हैं या कैश्यूज भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो ये मेरा एक और जो ग्लास है वो फिल हो चुका है, ऐसे करते करते हम रेस्ट के अपने ग्लासेस को फुल कर लेंगे। एक एक करके मैंने जो बादाम मिल्क था वो अपने ग्लासेस में डाल लिया, अब इसको हम गार्निशिंग करेंगे थोड़े से बादाम से, क्योंकि ये हमने बादाम मिल्क बनाया है, तो इसमें ऊपर से बादाम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं और थोड़े से पिस्ताशूज हैं हमारे पास, उससे भी इसकी गार्निशिंग कर देंगे, काफी कलरफुल हो जाएगा इससे ये। तो देखिए गाइस, पिस्ताशूज से कितना अच्छा कलर आ गया हमारे आलमंड मिल्क में। मैं इसको थोड़ा और डाल देती हूँ, ये देखिए। तो गाइस, हमारा बादाम मिल्क बनकर रेडी हो गया, इसको मैंने सर्व कर लिया है बिल्कुल चिल। सो गाइस, मेरा बादाम मिल्क बनकर रेडी हो गया है, इसको ऐसे ही चिल सर्व कीजिएगा, ये चिल्ड ही बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें एडिशनल ऊपर से एक स्कूप आइसक्रीम का इसके ऊपर डाल सकते हैं, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। बट अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो ऐसे ही सर्व कीजिएगा, और इसमें मीठा कम डालिएगा, जैसे मैंने
शुगर कम डाली थी, आपने देखा था कि मैंने 2 टेबल स्पून ही इसमें शुगर ऐड की है क्योंकि मैं कम मीठा खाती हूँ। तो आप मीठा अवॉइड करके इसमें कम मीठा डाल के इसको पी सकते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है। और अगर आपके किड्स मिल्क पीना नहीं पसंद करते तो गाइस उनको इस तरीके का बना के दिए, वो झटपट से ये पी लेंगे। इसमें काफी प्रोटीन है क्योंकि ये मिल्क और आलमंड से बना है, तो ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, तो आप इसको जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी बादाम मिल्क की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो पे जाके लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही न्यू और हेल्दी डिशेस आपके लिए लेके आ सकूं। होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।